ONGC versus NMDC versus NTPC। दोस्तों ये तीनों ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और तीनों ही अलग अलग सेक्टर्स में हैं। ONGC ऑयल एंड गैस में है, NMDC माइनिंग में है, NTPC पावर सेक्टर में है। तो इन तीनों ही कंपनीज का एक कंपैरिजन आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं, एक एनालिसिस आपके सामने मैं रखने वाला हूं। और ये वीडियो दोस्तों ट्रिगर हुआ है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी जब मैंने अपना वीडियो रिलीज किया था, भेल वर्सेस सेल वर्सेस गेल। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा चैनल वेब पेज पे जाके। तो स्मार्ट नेशन, लेट अस बिगिन इन्वेस्टिंग मेड सिंपल विद CA पुनीत जाजू। दोस्तों तीनों ही कंपनीज का कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब स्टॉक प्राइस देखिए, तीनों ही कंपनी के 80 रुपए के रेंज में है। ONGC 80 रुपीज, NMDC 86, NTPC एट 88। लेकिन मार्केट कैप सबसे ज्यादा है ONGC की 1,01,000 करोड़ रुपए, NMDC की सबसे कम है 26,000 करोड़ रुपए और NTPC एट नंबर 2 87,000 करोड़ रुपए। तो ONGC सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, NTPC एट नंबर 2 एंड NMDC एट नंबर 3। 52 वीक हाई लो वेरिएशन ONGC में बहुत ज्यादा है, 3x 3 टाइम्स का फर्क है लो और हाई में। वहीं NMDC का 2.25 गुना, NTPC में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है क्योंकि NTPC पावर सेक्टर में है और पावर देखिए इंपैक्ट नहीं होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से भी, या फिर जनरली कोरोना वायरस से रिलेटेड जो इकोनॉमिक डिसरप्शन है उससे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है NTPC को। लेकिन इतना जरूर है कि पावर डिमांड अभी कम हो गई है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, इस वजह से पावर डिमांड जरूर कम हुई है। लेकिन पावर डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है और यही वजह है कि NTPC का शेयर प्राइस काफी स्टेबल है। NMDC का दोस्तों इंटरनेशनल आयरन ओर प्राइस से लिंक रहता है उसका शेयर प्राइस। अभी आयरन के प्राइस काफी ज्यादा हैं क्योंकि चाइना में स्टील की डिमांड फिर से इंक्रीज हो गई है। चाइना इज द ओनली कंट्री जिसने अप्रैल जून क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है, बाकी सभी कंट्रीज में रिसेशन है, GDP ग्रोथ कम हुआ है एक्सेप्ट फॉर चाइना। तो चाइना की वजह से आयरन ओर के प्राइस जो है काफी तेज हैं और यही वजह है कि NMDC का शेयर प्राइस भी काफी तेजी में है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। ONGC ऑफ कोर्स जैसा हम सभी जानते हैं कि क्रूड ऑयल से काफी लिंक्ड है और साथ ही साथ नेचुरल गैस प्राइसेस भी काफी इंपैक्ट करते हैं ONGC को क्योंकि ONGC का काफी बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा नेचुरल गैस से भी आता है। बुक वैल्यू से काफी ज्यादा डिस्काउंट पे है ONGC, आधे से भी कम दामों पे है। NMDC ऑलमोस्ट बुक वैल्यू पे है, NTPC में भी डिस्काउंट है बुक वैल्यू का, 30% का डिस्काउंट है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट है ONGC में और ONGC की प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी बहुत कम है, सिर्फ 5.11। तो सबसे सस्ता स्टॉक है, बहुत कम दामों पे मिल रहा है ONGC का स्टॉक अभी हिस्टोरिकली भी। NMDC है 7.34, NTPC है 7.9। डिविडेंड यील्ड देखिए दोस्तों, ONGC और NMDC का ऑलमोस्ट बराबर है, 6% के ऊपर। NTPC का डिविडेंड यील्ड अच्छा रहता है, यहाँ पे अभी जरूर कंपनी अगर डिविडेंड अनाउंस करती है तो डिविडेंड यील्ड NTPC का भी 4-5% के बीच जरूर रहता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे अच्छे हैं NMDC के 28%, ONGC एट नंबर 2 19.5%, NTPC के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे खराब है, बहुत कम है, सिर्फ 6% के। रिटर्न ऑन इक्विटी NMDC की सबसे ज्यादा है 18%, ONGC नंबर 2 15%, NTPC एट नंबर 3 13%। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा रहा है ONGC का। दोस्तों यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइस से काफी फर्क रहता है, अगर क्रूड का भाव ज्यादा रहेगा तो ONGC का टर्नओवर अपने आप ही बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा, ONGC ने टेक ओवर किया है HPCL को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को, जो अब ONGC की सब्सिडियरी बन गई है। तो इस वजह से भी कंपनी का टर्नओवर इंक्रीज हो गया है क्योंकि HPCL की सेल्स अब ONGC में कंसोलिडेट होने लगी है।
एनएमडीसी का सेल्स ग्रोथ है 23% का, वहीं एनटीपीसी का है 9% का। फेस वैल्यू तीनों कंपनी की अलग अलग है, ओएनजीसी रुपीज 1, एनएमडीसी रुपी 1, एनटीपीसी रुपीज 10। प्रोमोटर होल्डिंग सभी कंपनी में अच्छा है, तीनों ही सरकारी कंपनी है, तीनों ही गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयूज है। प्लेजिंग किसी भी स्टॉक काउंटर में नहीं है, प्रोमोटर प्लेजिंग किसी भी स्टॉक में नहीं है, और गवर्नमेंट ने यहां पे जरूर डिसइन्वेस्टमेंट किया है तो, पर फिर भी ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है तो कोई यहां पे खास फर्क नहीं पड़ता है चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग से। डेट टू इक्विटी ओएनजीसी का है 0.47, एनएमडीसी कंप्लीटली डेट फ्री है, इट्स अ कैश रिच कंपनी। एनटीपीसी का डेट सबसे ज्यादा है 1.62 डेट इक्विटी रेशियो, और एब्सोल्यूट डेट में देखेंगे तो 1,06,000 करोड़ का डेट है ओएनजीसी का, सिर्फ 560 करोड़ रुपए का डेट है एनएमडीसी का, और एनटीपीसी का डेट है 1,92,000 करोड़ रुपए। पिछले 3 सालों में जो डेट था वो ओएनजीसी और एनटीपीसी ने डबल कर लिया है, वहीं एनएमडीसी ने काफी कम कर लिया है, 1,500 करोड़ रुपए से सिर्फ 560 करोड़ का डेट एनएमडीसी का रहा है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू तीनों ही कंपनी काफी डिस्काउंट पे है, ओएनजीसी में डिस्काउंट सबसे ज्यादा है, आधे दामों पे मिल रही है कंपनी। रिटर्न ऑन एसेट्स ओएनजीसी के नंबर टू पे 8.6%, एनएमडीसी एट नंबर वन 17.41%, बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा एनएमडीसी के बारे में, एनएमडीसी क्योंकि आयरन और माइनिंग में है और आयरन और माइनिंग में अभी काफी ज्यादा माइनिंग कंपनीज को फायदा मिला है क्योंकि ब्राजील में डिसरप्शन हुआ है आयरन और एक्सपोर्ट्स का, तो ब्राजील से जो एक्सपोर्ट होता था चाइना में वो काफी कम हो गया है क्योंकि वहां पे कुछ माइनिंग डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, और इसी वजह से आयरन ओर के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में शूट अप हुए हैं और उसका फायदा एनएमडीसी को जरूर मिला है। तो दोस्तों ये एक टेम्परेरी फेज है और जैसे ही आयरन ओर माइंस ब्राजील में रिज्यूम हो जाएंगी तो एनएमडीसी को वहां पे जो एक्सेप्शनल गेन मिले हैं वो कम हो जाएंगे, तो ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। एनटीपीसी के कंसिस्टेंट रिटर्न्स रहेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट से बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं होता है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा रहा है ओएनजीसी का 16%, फॉलोड बाय एनटीपीसी 8.5% एंड नंबर 3 एनएमडीसी एट 5%। प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज्यादा एनटीपीसी का पिछले 10 सालों में 5.5% का, ओएनजीसी का 4.5%, और एनएमडीसी में कोई मूवमेंट नहीं है प्रॉफिट में पिछले 10 सालों में। अर्निंग पर शेयर एनएमडीसी और एनटीपीसी का ऑलमोस्ट बराबर है 11.5 रुपए और ओएनजीसी का सबसे कम 8.5 रुपए, और पिछले 10 सालों में एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओएनजीसी का सबसे ज्यादा है 19% और एनटीपीसी का है 9.5%। रिटर्न ऑन एक्विटी भी ओएनजीसी की सबसे ज्यादा है 14.5% पिछले 10 सालों में, एनटीपीसी एट नंबर 2 एट 13%। और शेयर होल्डर्स को सबसे तीनों ही काउंटर्स में नुकसान उठाना पड़ा है, आप देखेंगे ओएनजीसी 9.29% पिछले 10 सालों में शेयर होल्डर्स को नुकसान है, एनएमडीसी में भी 10.5% का पिछले 10 सालों में शेयर होल्डर्स को नुकसान है हर साल, एनटीपीसी में भी नुकसान है 6.5% का शेयर होल्डर्स को पिछले 10 सालों में। सबसे ज्यादा नुकसान दिया है एनएमडीसी ने 10.5%। ओएनजीसी और एनएमडीसी दोस्तों साइक्लिकल कंपनीज हैं, अगर आप लोअर साइकिल में इन्हें खरीद लेते हैं तो अप साइकिल में बेच के काफी पैसा कमा सकते हैं। एनटीपीसी में कोई साइकिल नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे नुकसान है 6.36% का शेयर होल्डर्स को हर साल। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन ओएनजीसी वर्सेस एनएमडीसी वर्सेस एनटीपीसी के बारे में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने इसे लाइक तो जरूर किया होगा। दोस्तों जाने से पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो।